फिर शुरू करते हैं बेटा डेप्रिसिएशन का चैप्टर। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर को भी हम दो पार्ट में तोड़ के पढ़ेंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट थ्योरी और पार्ट नंबर सेकेंड न्यूमेरिकल्स। आओ बेटे सब बच्चे साथ साथ चार्ट बनाएंगे। बेटा चैप्टर का नाम डेप्रिसिएशन रखा गया है, लेकिन होता क्या है डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग? क्या होता है डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग? आओ बेटा बनाओ, बेटा फटाफट से चार्ट बनाओ। पार्ट नंबर फर्स्ट थ्योरी, क्या क्या क्वेश्चन इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकते हैं। पार्ट नंबर सेकंड न्यूमेरिकल्स, मतलब कैलकुलेशन और अकाउंटिंग। हाँ बेटा, नंबर फर्स्ट मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, नंबर सेकंड उतारते चलो साथ साथ, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, नंबर थर्ड पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। नंबर फोर चेंज इन मेथड एंड चेंज इन एस्टीमेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। नंबर फाइव डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। बेटा ये क्वेश्चन आपको कई चैप्टर में मिलेगा, बेसिक फंडामेंटल की थ्योरी में, इस वाले चैप्टर में, और साथ साथ में बेटा फाइनल अकाउंट के चैप्टर में भी। हाँ जी उतार लिया बेटा यहाँ तक, चलूँ मैं आगे? उतारो अगर बातें होंगी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, ध्यान रखना। कैलकुलेशन न्यूमेरिकल में दो पार्ट है, कैलकुलेशन ऑफ इधर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन और बी पार्ट अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन।
अकाउंटिंग के दो ही मेथड है अकाउंटिंग में, बहुत छोटा सा मेथड है इनका अकाउंटिंग का, ए पार्ट स्मॉल ए बनाया यहाँ पे मैंने, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन नॉट मेंटेन्ड। मैं भी यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ बेटा, गुल्लक लिख रहा हूँ यहाँ पे, गुल्लक, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन नॉट मेंटेन्ड, दूसरा मेथड है बेटा इसमें अकाउंटिंग का, बी पार्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन इज मेंटेन या यस मेंटेन लिख देता हूँ, कि यहाँ पे नो लिखा हुआ है, मेंटेन्ड। डेप्रिशिएशन की अकाउंटिंग को उलझा के रख दिया कई कई टीचर्स ने, कई राइटर्स की बुक ने। होती है अकाउंटिंग बेटा ऐसे, इनमें से दो में से कोई भी एक मेथड है जो हम यूज कर सकते हैं एज पर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, एज पर प्रैक्टिकल सिचुएशन क्वेश्चंस। हाँ, लेकिन अमाउंट जो निकलेगी डेप्रिशिएशन की, उसकी कैलकुलेशन करने के कई सारे मेथड होते हैं। मैं लिख रहा हूं इनमें से कुछ नाम, नंबर फर्स्ट SLM, एक और नाम इसका होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, एक और नाम इसका होता है स्ट्रेट, अच्छा वही तो है, ओहो नंबर सेकंड, अगला मेथड है बेटा इसमें WDB, इसका दूसरा नाम होता है डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एक और नाम होता है इसका, बोलो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, नंबर थर्ड मेथड सम्स ऑफ इयर्स डिजिट मेथड, नंबर फोर एन्यूटी मेथड, नंबर फाइव इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, नंबर सिक्स रीवैल्यूएशन मेथड, नंबर सेवन डबल डिक्लाइनिंग, डबल डिक्लाइनिंग, बेटा इसका एक और नाम होता है WDV का, मिल गया मेरे को, डिक्लाइनिंग मेथड, एग्जाम में किसी भी नाम से बोल सकता है ना, डिक्लाइनिंग मेथड, इसमें एक और नाम बना लेना, डिक्लाइनिंग मेथड। हाँ जी, आता हूँ मैं सेवन पॉइंट पे दोबारा से, डबल डिक्लाइनिंग मेथड। नेक्स्ट नंबर एट MHR मेथड, मशीन आवर रेट मेथड, शॉर्ट फॉर्म है ये MHR, IPCC में मिलेगी आपको देखने को। नेक्स्ट प्रोडक्शन यूनिट मेथड, इसी का दूसरा नाम होता है डिप्लेशन मेथड, ये किन के लिए यूज होता है बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, यानी ऐसी फिक्स असेट्स जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं उन पर डेप्रिशिएशन का नाम, उनका डेप्रिशिएशन का नाम डेप्रिशिएशन ना बोलकर बोला करेंगे डिप्लेशन, डिप्रेशन नहीं डिप्लेशन।
हाँ जी बेटा, टेंथ मेथड, मैं जगह कम होने की वजह से मैं इधर लिख देता हूँ बेटा, थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ मैं, टेंथ मेथड, पिक्चर ले लो फिर इसको, टाइमर चला देना, थैंक यू सो मच, किलोमीटर मेथड, किलोमीटर मेथड, ये कहाँ लगता है बेटा, जहाँ पर व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स की स्पेलिंग सही है क्या, देख लेना, नंबर 11, गलत है, वी ई एच आई सी एल ई एस, नलायक, मैंने टीप के लिख रखी है, हो ही नहीं सकता गलत, सिंकिंग फंड मेथड, ठीक है, उतारो बेटा, से उतारो, थर्ड नंबर पे लिखा बेटा, सम्स ऑफ ईयर डिजिट मेथड, सम्स ऑफ ईयर डिजिट मेथड लिखा बेटा वहां पर, मैं 1 2 3 दोबारा बता देता हूँ, फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है एसएलएम, मतलब फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, सेकंड नंबर पे लिखा है डब्ल्यूडीबी ऑब्लिक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, एक और नाम होता है इसका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, एक और नाम होता है इसका डिक्लाइनिंग मेथड,
घर में कई सारे नाम होते ना, ऐसी है। इधर आओ, एग्जाम में पता नहीं कौन सा नाम पूछे। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, नेक्स्ट एन्यूटी मेथड, अगला है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, इसके बाद है रिवैल्यूएशन मेथड, फिर है बेटा डबल डिक्लाइनिंग मेथड, फिर MHR मशीन आवर रेट उसकी शॉर्ट फॉर्म है मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, इसी का दूसरा नाम होता है डिप्लेशन, डेप्रिसिएशन को यहाँ पर बस एक नया नाम देंगे, होता है डेप्रिसिएशन ही है, बस नया नाम हो जिससे पता चले कि नेचुरल रिसोर्सेज पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, डिप्लेशन मेथड। इधर लिखा हुआ है किलोमीटर मेथड, व्हीकल्स के केस में लगेगा क्योंकि मशीन तो किलोमीटर में दौड़ेंगी नहीं। अच्छा, सिंकिंग फंड मेथड, ठीक है उतारो से।
हो गया। कितने बच्चों कर रहे हैं एक बार हाथ उठाना, उतारो बेटा मैं आपके लिए रुकाऊंगा। चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों। बेटा डेप्रिसिएशन है क्या, पहला थ्योरी का पॉइंट, पहला थ्योरी का पॉइंट समझेंगे ठीक है। डेप्रिसिएशन माने ह्रास होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, ह्रास ठीक है। मतलब असेट्स की वैल्यू का घटना, असेट्स की वैल्यू का घटना क्या कहलाता है बेटा, वैल्यू का घटना मतलब ह्रास। घटने को एक और हिंदी बोलते हैं, घटने को ह्रास, क्लियर बेटा। इसीलिए 11th में इसका नाम ह्रास देखने को मिलता था। तो बेटा डेप्रिसिएशन मतलब असेट्स की वैल्यू का गिर जाना, लॉस हो जाना, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, चाहे वो किसी भी वजह से, किसी भी वजह से, क्लियर। आओ बेटा लिखो फटाफट से, पहला हेडिंग डालो थ्योरी का, जल्दी हेडिंग डालो पार्ट नंबर फर्स्ट थ्योरी। अगले पेज पर हेडिंग डालो पार्ट नंबर फर्स्ट थ्योरी, उसमें नंबर वन डेप्रिसिएशन मींस, डेप्रिसिएशन मींस। लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स ऑब्लिक मतलब स्लैश लॉस ऑफ यूटिलिटी, दोबारा बोल रहा हूं, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स ऑब्लिक लॉस ऑफ यूटिलिटी ऑफ असेट्स, लॉस ऑफ यूटिलिटी ऑफ असेट्स अगली लाइन में ड्यू टू एनी रीजन, चाहे कोई भी कारण रहा हो, किसी भी वजह से असेट्स की वैल्यू गिर गई, तो बेटा क्या लगेगा वहां पर, क्या बोलेंगे उसको, डेप्रिसिएशन होना, क्लियर। अब बेटा देखो अगला है इसमें सेकंड नंबर, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं बेटा, थोड़ा सा समझना है बेटा, बैलेंस शीट में कई तरह की असेट्स होती हैं, बैलेंस शीट में सुनो बेटा ध्यान देना इधर सर, हाँ जी बेटा, बैलेंस शीट में बेटा कई तरह की असेट्स होती हैं। ये चैप्टर जो डेप्रिसिएशन है कौन सी असेट्स के लिए है और कौन सा इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगा, समझना है सब बच्चों को। पिछली बार आउट ऑफ सिलेबस था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो इस बार मैं चाहता हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड साथ साथ पैक करते चले। बेटा फिक्स असेट्स होती है और क्या होता है बोलो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। फिर क्या होता है बेटा, करंट असेट्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस नाम की एक असेट्स होती है। और बेटा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये होते क्या हैं बेटा, ये घाटे होते हैं, घाटे जो अभी हम राइट ऑफ नहीं कर पा रहे, मतलब ये नुकसान हो रहा है, हम सारा रोना एकदम से ना रोकर ओवर द ईयर रोएंगे, राइट ऑफ करेंगे, ये घाटे होते हैं। असेट्स के घटने की वैल्यू की, असेट्स की वैल्यू घटने की बात हुई इस चैप्टर में, ये बात होगी बेटा डेप्रिसिएशन में, वो फिक्स असेट्स के घटने की बात होगी इस चैप्टर में। जब भी हम डेप्रिसिएशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, फिक्स असेट्स की वैल्यू के घटने की बात करेंगे, उसको बोलेंगे हम डेप्रिसिएशन। अब आप बोलोगे सर इनके घटने की बातें कहाँ हैं, बेटा इनका एक अलग चैप्टर होता है जो आपको सीपीटी लेवल पे नहीं पढ़ना, आईपीसीसी में ठीक है। ये हम जो अकाउंटिंग सीखेंगे फिक्स असेट्स की डेप्रिसिएशन की, वो कौन सिखाएगा बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या है, सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, थ्योरी साथ साथ पैक करनी है, बार बार नहीं सोचना इन चीज़ों पे, एक बार समझो अच्छे से पैक करो, स्मार्ट वर्किंग ठीक है ना, लिंक के साथ पढ़ना बेटा। अकाउंट्स में कई जगह कन्फ्यूजन, जैसे कि हमें पहले इंडिया में बेटा कोई स्टैंडर्ड थोड़ा ना थे, कोई रूल थोड़ा ना थे, रूल्स एंड रेगुलेशन। सड़क पे जा रहे हैं, वो सामने से आ रहा, हम भी सामने से आ रहे हैं, जिसमें दम होगा वो सामने वाले से हटा देगा, बताओ ये कोई चलने का तरीका थोड़ा ना था। तो एक रूल बनाया गया कि भाई अब से ऐसा करेंगे सभी लोग, इंडिया के अंदर सड़क के लेफ्ट साइड चलेंगे बेटा, इंडिया में ये रूल बनाया गया ठीक है ना, फोरन में रूल बनाया गया, हम लोग सड़क के राइट साइड चला करेंगे। अब अगर कोई आगे जा रहा है तो बेटा हम लेफ्ट साइड चल रहे हैं, थोड़ा सा बचा के निकल जाएंगे, आमने सामने टक्कर नहीं हुई। ये क्या था बेटा, रोड का स्टैंडर्ड, रोड के रूल्स। ठीक ऐसे ही बेटा, यानी जहाँ दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स होते हैं वहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, वहाँ पर क्या बनाने की जरूरत है, एक रूल स्टैंडर्ड, तो रोड का स्टैंडर्ड बन गया बेटा। ऐसे ही अकाउंट्स में जहाँ एक से ज़्यादा मेथड यूज हो सकते हैं वहाँ पर अकाउंट्स का स्टैंडर्ड बन गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बोलते हैं बेटा। रूल तो कई
कई सारे बनाने पड़े अकाउंट में, क्योंकि कई जगह अकाउंट्स में दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव थे तरीके अकाउंटिंग के, ठीक है, तो उनमें से कौन सा चूज करना है, कौन सा सेलेक्ट करना है अकाउंटिंग के पर्पज़ से। सभी लोग एक जैसे ही मेथड को यूज़ करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि कंपैरिजन में कि कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बात समझ ना बेटा। तो ऐसे यहाँ पर अकाउंट्स के स्टैंडर्ड बने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उनको बोलते हैं, खैर कम टू दिस चैप्टर, उनमें बेटा कई सारी नंबरिंग है, 1, 2, 3, 4 करके ऐसे ना 32 रूल्स बन चुके हैं, 32 स्टैंडर्ड बन चुके हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए हाउ मेनी स्टैंडर्ड्स आर देयर, आंसर इज 32। बट कई बार क्या हुआ बेटा, कई बार एक ही रूल बाद में रिपीट हो जाता है, तो हुआ क्या, दो रूल एक जैसे बन गए थे। एक रूल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 और एक रूल है बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। बेटा दोनों एक ही बात को बोल गए, दोनों एक ही बात को बोल गए। AS 8 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक चीज होती है, आप लोग पढ़ेंगे थ्योरी में, उसकी अकाउंटिंग समझाई थी, यही बात कवर थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में और दूसरी बातों के साथ, गुडविल वगैरह के अकाउंटिंग के साथ साथ में ये भी वहां पे कवर था। तो हुआ क्या बेटा, सेम बात वहां पर थी, तो इसीलिए बेटा कहा बिना बात के एक फालतू का रूल क्यों पढ़ना, तो बेटा इस रूल को डिलीट कर दिया गया है, बल्कि मैं कहता हूँ इसको मर्ज कर दिया गया है, किसमें, AS 8 को किसमें मर्ज कर दिया, AS 26 में, डन। अच्छा तो इफेक्टिवली कितने रह गए, एक कम हो गया 31, क्लियर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी स्टैंडर्ड्स आर इफेक्टिव, आंसर इज 31, डन। चलो बेटा तो उनमें से कौन से नंबर वाला रूल है ये, AS 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, क्लियर। आओ बेटा अब ये जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसकी अकाउंटिंग ये सिखाएगा बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है जिसने इसकी बातें सिखाई हैं, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं हल्का सा, यहां पर करंट एसेट्स लोन से